अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परवीन किचन। तो दोस्तों, आज वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरी मम्मी आई हुई हैं और मम्मी आई हैं लखनऊ, जो छोटी बहन का घर है। बहुत से ब्लॉग में आपने मेरी छोटी बहन को देखा होगा, तो मैं भी लखनऊ आ चुकी हूँ। मेरा घर बाराबंकी में है। बहुत सी बार मैंने आपसे बताया कि मेरा घर बाराबंकी में, तो आज दूसरा दिन है। तो हम लोग मम्मी से बनवाने वाले हैं कश्मीर की डिश, वो भी राजमा शलजम की, जो कि वहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, जो सर्दियों में बहुत शौक से खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं मम्मी ये रेसिपी कैसी बनाती हैं। इसको फॉलो करिएगा, इस वीडियो को, और देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, बने रहिए लास्ट तक। तो यहाँ पे मम्मी ने रात भर राजमा को भिगवा दिया था और चढ़ा भी दिया। मैंने कहा कि रुक जाओ, लेकिन पहले ही मम्मी ने चढ़ा दी। तो इसमें मम्मी ने डाल दिया था हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक और तेल। तेल जो है वो सरसों का ही पड़ेगा, कच्चा तेल इसमें डालना है, जो कि कश्मीरी जो डिश बनती है शलजम और राजमा की, उसमें कच्चा ही तेल पहले डाला जाता है। तो यहाँ सब डाल के, पानी डाल के हमने लिड लगा के चढ़ा दी है। और दूसरी तरफ मेरी बहन तैयार कर रही हैं कश्मीरी नून चाय, यानी कि कश्मीरी नमकीन चाय। और ये देखिए कश्मीरी चाय कैसे बनती है, ना कि उसमें कलर डाला जाता है, इसमें अपना नेचुरल कलर जो होता है वो आता है। कहाँ जा रहा गोलू, हाँ क्या है, कहाँ जा रहा गोलू, आओ इधर आ, इधर आ, अच्छा। तो ये है मेरी मम्मी, और यहाँ पे मम्मी ने जो मैंने राजमा चढ़ाई थी, यानी कि मम्मी ने राजमा चढ़ाई थी, उसमें दो बड़े बड़े चम्मच और तेल डलवाए हैं। तो ये मेरी मम्मी हैं, सब लोग देख लें। मम्मी सलाम कर रही हैं सबको। और ये रेसिपी मम्मी की है जो मम्मी बना रही हैं। और यहाँ देखिए चाय भी उबल रही है, चाय को चढ़े हुए भी 15 मिनट हो गए हैं। तो मम्मी यहाँ पे शलजम काट रही हैं, देखिए शलजम, क्योंकि कश्मीरी राजमा शलजम बन रही है तो मम्मी ही बना रही हैं। मम्मी इसको क्या कहते हैं, ठिप्पर? ठिप्पर तो पंजाबी में कहते हैं, कश्मीरी में क्या कहते हैं, गोगजी हैं? गोगजी। और गोगजी में कौन सी रेसिपी है, है? कौन सी मतलब डिश है ये? ससुर गोगज है कश्मीरी में, इसको ससुर गोगज कहते हैं। हाँ, और जो पंजाबी वर्ड है उसमें भी ससुर गोगजी कहते हैं कश्मीर में, और हमारी भाषा में ठिप्पर कहते हैं। ठिप्पर गुंगलू भी कहा जाता है इसको, उर्दू में गुंगलू का कहते हैं। आपको तो मालूम ही है कि शलजम कितनी फायदे की चीज है, तो शलजम सबको खाना चाहिए। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े शलजम हैं। अब तो सीजन खत्म हो रहा है शलजम का। तो मम्मी ने राजमा रात में भिगो दी थी, अब उसको चढ़ा दिया है उसके अंदर, और उसके अंदर बस कुछ नहीं डाला है, बस नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, और थोड़ी सी मिर्च डाला है, और 2 चम्मच तेल डाला है, और उसको चढ़ा दिया है। और मम्मी कुकर में नहीं बना रही हैं, उसको पतीली में ही बना रही हैं, क्योंकि मम्मी का कहना है कुकर में वो टेस्ट नहीं आता है जो पतीली के अंदर पकने पे आता है। मम्मी हमेशा जो भी चीज़ है वो पतीली में बनाती हैं, चाहे वो चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो पतीली में बनाती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चाय अलग बना के तैयार की गई है, काढ़ा निकाल के, काढ़ा तैयार हो चुका था। तो माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, एकदम पिंक। तो ये थोड़ी चाय अलग करके तैयार की गई है,
क्योंकि 2 से 3 लोगों के लिए चाय बिल्कुल सही है। आप इसका काढ़ा भी तैयार करके रख सकते हैं दूसरे दिन के लिए, और इसमें पड़ेंगे चावल के सत्तू। कश्मीरी ट्रेडिशनल तरीके से जो है ये चाय बन रही है। आप सत्तू कप में भी डाल सकते हैं, उसके बाद से एकदम उबलती हुई चाय कप में डाल लीजिए, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है सत्तू और चाय ही होती है। चावल के सत्तू हो या मकई के सत्तू हो और उसके साथ तंदूरी रोटी हो या घर में बनी रोटी हो, ये वहाँ का ट्रेडिशनल नाश्ता है सुबह का। तो 5 मिनट इसको लगेंगे पकने में, इसमें एकदम स्लो फ्लेम पे, और चाय बनने में करीब करीब 1 घंटा तो लग गया, क्योंकि इसकी जो चाय होती है उसको पकने में टाइम लगता है। अब चाय जब सर्व करेंगे तो मिलते हैं आपसे फिर। तो मम्मी ने यहाँ पे शलजम काट लिए हैं, ये देखिए। मम्मी और कुछ बताइए। ये कश्मीरी शलजम है। जोर जोर से बताइए। ये कश्मीरी शलगम है, इनको मोटा मोटा करके राजमा डाल दिए पतीले में, तो उनको बनाते हैं, इसको बोलते हैं ससुर गुग जी। ससुर गगुज इसको बोलते हैं, ससुर गगुज कश्मीरी में, और पहाड़ी में ससुर गुग जिया। ससुर गुग जिया, हाँ। तो आज मम्मी के हाथ की ससुर गोगजियां हम लोग खाने जाएंगे, और बहुत दिनों बाद। और ये कैसे बनती थी पहले कैसे बनाते थे? रात को मिट्टी के उस बर्तन में, हाँ, बड़ा सा लगाते थे देग, हाँ, काट के फिर उस देग में तेल में भी कच्चा डालते थे सरसों का, हाँ, और मिर्चा भी डालती थी, हल्दी इतनी नहीं, बस थोड़ी सी हल्दी अगर डाल दी नहीं डाली तो कुछ भी नहीं, उससे उसका कलर नहीं आता। और तेल सब मेन चीज होता, तेल इसका बस मिट्टी की हांडी में ना। और ससुर मतलब होता है पकना ना, मतलब ससुर गोगुज मतलब उसको दम में रखते हैं, आग डालते हैं साइड साइड से, मगर यहाँ पे कहाँ से आग लाएंगे। ससुर गोगुज का मतलब होता है, ससुर होता है कश्मीरी मतलब पकना, दम पे रखना, और रात भर पकना है, बस हो गया। रात भर नहीं, साथ ही में चढ़ा देते हैं, हाँ। उसको जितनी चूल्हे में आग होती थी तो वो चूल्हे की आग उसको चारों तरफ गले तक डालते थे। अच्छा, फिर बस वही आग डाल के रात को रखते थे, तो सुबह खाओ उसके आगे मुर्गा क्या है, फ्राई करा मुर्गा क्या है या गोश्त क्या है, कुछ भी नहीं, इतनी अच्छी टेस्ट बनती थी। तो आज हम लोग खाएंगे मम्मी के हाथ की ससुर गोगजी यानी कि राजमा शलजम की रेसिपी। और ये रेसिपी बहुत बहुत मतलब मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, इंडियन डेली जो है सना है, ये उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आंटी आप जो है कश्मीरी कोई रेसिपी डालें दाल वाली, तो ये रेसिपी मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगी। तो सना खास कर तुम्हारे लिए है, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और बनाना, और ये मेरी मम्मी के हाथ की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करना। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे शलजम को धुला जा रहा है, तो शलजम के पीस आप देख रहे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, एकदम बड़े बड़े रखने हैं, क्योंकि शलजम को जो है जो पतीली में ही डालना है ना, तो उसको धीमी आंच पे पकाना है, तो शलजम के पीस आपको बड़े ही रखने हैं। जब हमारी राजमा आधी पक जाएगी तो शलजम को उसमें डाल दिया जाएगा। धुल चुका मम्मी, धुल गया।
तो मम्मी पीने जा रही है कश्मीरी नुनचा। ये है मेरा कप, ये मेरी बिटिया का कप। अभी दूसरी बिटिया नहीं आई। मम्मी कश्मीरी में कुछ वर्ड बोलिए। पीछे चाय, कोशिश चाय। हाँ इसको कश्मीरी में बोलो। कश्मीरी में ये नुनचाय पीछे दिन पे दोस्त ना दोस्त ने ये सुबह और शाम ढाई दो बजे ढाई बजे सुबह ते शामन शाम च ना चैन बस दो ही घंटे और दिन भर लिफ्ट चाय चलती रहती है। मतलब ये चाय जो है कशे चाय इसे चवन सुबह ते शाम ते शामस शामस गरम गरम चाय चाय स्वच्छ स्वच्छ कश्मीरी में रोटी को स्वच्छ कहते हैं। मम्मी रोटी को चाय में डाल के खा रही है ताकि मुलायम हो जाए थोड़ा सा। मम्मी के थोड़ा दांत जो है ना थोड़ा सेंसिटिव है तो चबा नहीं पाती हैं, बहुत धीरे धीरे चबाना पड़ता है, तो इसलिए मम्मी चाय में डाल लेती हैं रोटी को और फिर खाती हैं पीती हैं चाय को। तो ये है मेरी चाय। तो आइए आप भी पीजिए कश्मीरी चाय। और राजमा हमारे चढ़े हुए हैं, पक रहे हैं और धीमी आंच पे शलजम भी कट चुके हैं। आगे का क्या प्रोसीजर होता है अभी तो मम्मी चाय पियेंगी, सुबह का टाइम है। मिलते हैं उसके बाद से, चाय पीने के बाद से क्या हालात होंगे राजमा के वो देखा जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं शलजम हमारे कहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे शलजम चढ़ा हुआ है, बीच में एक बार इसको हम लोगों ने थोड़ा सा चला दिया था। तो अब इसमें मम्मी डालेंगी शलजम। ये इसमें शलजम मम्मी धीरे धीरे करके डाल रही हैं और ये शलजम और राजमा एक साथ पकेंगे। जाहिर सी बात है पतीली में कोई भी चीज़ पकाई जब धीरे धीरे पकती है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और यही चीज़ जो है कुकर में बना लीजिए झट से 5 और 10 मिनट में बन जाता है तो उसका मज़ा वैसा नहीं होता है जितना कि धीरे धीरे आंच पे पतीली में पकने पे होता है। हाँ मम्मी कुकर में कभी कोई चीज़ नहीं बनाती हैं, हमेशा पतीली में ही बनाती हैं। पहले तो मिट्टी की हांडी होती थी तो मम्मी मिट्टी की हांडी में बनाती थी कश्मीर में। तो मम्मी आई हुई हैं यहाँ लखनऊ में हम लोगों के पास। ये लखनऊ है जहाँ पे मेरी छोटी बहन रहती है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में अपनी बहन को दिखाया था और ये घर दिखाया था। तो मैं यहाँ लखनऊ में मम्मी से मिलने आई हूँ। मैं बाराबंकी में रहती हूँ और अभी तो कुछ दिन मम्मी यहाँ रुकेंगी, फिर उसके बाद से मम्मी बाराबंकी भी आएंगी। लेकिन मैं मिलने के लिए मम्मी से चली आई और मम्मी आज बना रही थी शलजम की रेसिपी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आज ये वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगी जो शलजम की रेसिपी है, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है ये सब चीज़ें दिखाने का और चैनल पर डालने का। मम्मी के हाथ की वो भी। मम्मी नमक ढूंढ रही है, नमक मम्मी यहाँ रखा हुआ है इधर इधर वाले ड्रॉर में, ये यहाँ पे। हाँ तो इसमें थोड़ा नमक और डालेंगी मम्मी। ये नमक तेल और थोड़ी हल्दी, तेल सरसों ही का पड़ेगा इसमें।
थोड़ा सा नमक डालेंगी ताकि जो शलजम के साथ भी थोड़ा पक जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने लीड लगा दी थी, इसको 5 से 10 मिनट ऐसे स्लो फ्लेम पे हम लोग पकने देंगे। फ्लेम को आपको हाई नहीं करनी है, बस इसमें जो मसाले पड़े हैं वो ज़्यादा मसाले अभी नहीं पड़े हैं और पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें मसाले कुछ पड़ते नहीं हैं। जो मसाले हमने आपको बताया था, हल्दी, मिर्चा, तेल, नमक, बस वही सब पड़ा है। अब इसको लीड लगा के हम लोग छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट, ये स्लो फ्लेम पर ऐसे ही पकता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद से। टमाटर, और मम्मी अब टमाटर काटेंगी क्योंकि शलजम में टमाटर तो को काटेगी। इतने टमाटर पड़ेंगे, कश्मीरी जितनी भी रेसिपी रहती है बिना टमाटर के एकदम कुछ नहीं है। तो मम्मी ये टमाटर काटेंगी। टमाटर और सही मम्मी नहीं, ये पिछू नहीं आता, ये कीड़ा होता है। अच्छा, तो मम्मी कहती है ऊपर का हिस्सा काट लेना चाहिए। नहीं, वो काला दिखे ना, काला करना। और जो इसकी आई होती है इसको भी आपको निकाल लेना है, जो इसको आई कहते हैं ये भी निकाल लेना है। तो मम्मी अभी काट रही हैं, देखते हैं टमाटर की अगर और जरूरत होगी तो और दे देंगे। मम्मी लहसुन छिल रही है, ये देखिए पूरी लहसुन की एक कड़ी है, पूरी एक कड़ी लिया है। और आप अपने हिसाब से जितनी आपको बनाना है उस हिसाब से आप लहसुन ले सकती हैं। तो इसमें ये लहसुन पड़ेगा, अदरक का कोई इसमें रोल नहीं है, सिर्फ लहसुन पड़ेगा। ये पूरी लहसुन की कलियां इसमें पड़ेंगी। अरे मम्मी बढ़ाएंगी यूट्यूब का, तो लगी मम्मी बढ़ा। ससुर का कोई, ससुर का कोई भाई कौशल, कौशल ससुर का। तो मम्मी लहसुन छुल लेंगी पूरा, और उसके बाद प्याज, प्याज पड़ेगा मम्मी? प्याज नहीं पड़ेगा, टमाटर पड़ेगा, प्याज नहीं डालेंगी मम्मी। प्याज नहीं पड़ता क्या इसमें मम्मी? लाल मिर्च भेजी है, कलर है ना उसका, लाल मिर्च थोड़ा तेल लगाएगा थोड़ा। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर जिससे कलर आता है इसमें, जो कश्मीरी डिश होती है उसमें, नहीं पड़ेगी। हाँ, वो पड़ेगा। हल्दी पड़ेगी, और हल्दी नहीं, नहीं हल्दी पड़ेगी, और हल्दी पड़ चुकी है। नहीं, हल्दी तो अभी डाला था ना? नहीं, हल्दी नहीं डाली अभी, नहीं डाली। हाँ, हल्दी नहीं डाला है। सरसों भी, मिर्ची भी चाहिए, प्याज। अभी जो टमाटर मम्मी ने काटे हैं तो अभी उसमें दिखाएंगे कि मम्मी आगे क्या करेंगी, तो सब उसी में जो भी डालना होगा थोड़ा थोड़ा डालेंगी। तो ये रेसिपी जो कश्मीरी रेसिपी ऐसे बनती है भाई, हम लोगों ने भी मम्मी से सीखा, लेकिन मम्मी के हाथ में जो बनाती है ना जो टेस्ट है वो तो एक अलग ही टेस्ट है। अपने हाथ से चाहिए जितना बना ले, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन अब मम्मी आई हुई है तो इसका फायदा भाई हम लोग जरूर उठाएंगे उसको मुझ। देखते शलजम जो है धीमी आंच पे चढ़ा हुआ था, देखिए माशाल्लाह से ये आधा गल चुका है। आधा नहीं गला, पूरा गला, पूरा गल चुका है मम्मी। हाँ, तब से 10 मिनट से 15 मिनट हो गया इसको स्लो फ्लेम पे चढ़े हुए, तो धीमे धीमे ये पूरा गल गया है। और मम्मी ने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है तड़के के लिए, और इसमें डालेंगे हम लोग तेल सरसों का, बच जाएगी। मम्मी कितना डाले इसमें? ये हमने एक डाला, इसको तेल पूरा 1 टेबल स्पून कच्ची तेल डाल दी है ना मम्मी। हाँ, ये पूरा डाल दे, डाल टमाटर भी। हाँ, ये पूरा डाल दे तेल में, लग रहा कम पड़ेगा इसमें। और तेल चाहिए क्या मम्मी? नहीं, बस रहने दीजिए, ज्यादा खाते नहीं होंगे। अरे ऐसे भी हो जाएगा। थोड़ा डाल दिया है। तू क्यों चुप चुप के वीडियो खींच? मम्मी, अब मम्मी जो खाना बना ले तो मम्मी से कश्मीरी गाना गवाते हैं। अब मम्मी के, मम्मी कश्मीरी गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, पंजाबी बहुत अच्छा गाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने ये देखिए लहसुन को भी छील लिया है, और यहाँ पे देखिए ऐसे पीस में छोटे छोटे टुकड़े काट लिया है, और थोड़ी सी प्याज भी छील ली है। प्याज है और लहसुन है, और ये अब तड़का लगने जा रहा है। तो चलिए, तो ये लहसुन मम्मी ने डाल लिया है, और ये डालने जा रही है प्याज। नहीं, तो ये यहाँ पे हम
चिमनी जला देंगे ताकि जो धुआं इसका जो उड़ रहा है वो चिमनी के अंदर जाए। तो थोड़ा सा जीरा मम्मी डालेंगी एक चुटकी। तो यहाँ पे मैं देखूंगी, यहाँ मम्मी इसमें रखा होगा जीरा। पता, ये पीसा हुआ जीरा है, ये भुना हुआ जीरा है। साबुत जीरा कहाँ रखा है इसने? साबुत जीरा देखो कहाँ रखा है आशी। इसमें साबुत जीरा है, ये है साबुत जीरा। तो इसमें से सिर्फ आधी चुटकी जाएगी मम्मी, चुटकी आधी बस, इतना सा डालेंगे ना, और बस और डालना बस। कम से कम दो चुटकी जीरा इसमें डाला है। हल्दी मिर्च रखा है, हल्दी मिर्च रखा है, हल्दी मिर्च थोड़ा थोड़ा और पड़ेगा इसमें तड़के में। मिर्ची हल्दी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिर्ची हल्दी हर घर में कैसे खाया जाता है, लेकिन हल्दी का यूज़ थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कश्मीरी डिश होती है उसमें ज़्यादातर हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब इसमें पड़ेंगे टमाटर, हल्का सा फ्राई होने के बाद से हल्दी मिर्चा, और इसमें डालने जा रही मम्मी टमाटर। थोड़ा ऐसे 5 मिनट के लिए ढक के हम लोग छोड़ देंगे ताकि जो ये टमाटर है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और फिर मिलते हैं इसके सॉफ्ट होने के बाद से। तो यहाँ पे इशरत भी नमकीन चाय पी रही हैं, सत्तू डला हुआ है चाय में, और माशाल्लाह से कप देखिए एकदम कश्मीरी कप है, और उसके साथ पराठा है। टमाटर यहाँ पे गल गए हैं, हम लोगों ने 1 से 2 बार इसका ढक्कन खोल के इसको टमाटर को चला दिया था, तो टमाटर गल गए हैं। अब इसके बाद क्या करना मम्मी? थोड़ा सा नमक राजमा में डालना है, थोड़ा नमक डालना है इसमें। टमाटर में थोड़ा नमक डालेंगे, उसमें कम टमाटर में नमक डालेंगे ताकि जो है जो हमने शलजम और राजमा में नमक डाला है थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसकी थोड़ा भुनाई होगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ लेगा। तो मम्मी ने, आपने देखा मम्मी ने टमाटर में लहसुन और प्याज का तड़का दिया है, और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिर्चा ये सब डाला है। तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्चा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हल्दी की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा। मैंने बताया कि आप मिर्चा अपने हिसाब से डाल दीजिए, लेकिन जो है हल्दी की क्वांटिटी जो होती है थोड़ी ज्यादा रहती है इसमें। और टमाटर ने यहाँ पे तेल छोड़ दिया है, अब इसको डालेंगी मम्मी शलजम के अंदर। डाल दूंगी, तो ये मम्मी नहीं डाल पा रहे, लाइए हम डाल दें। तो इसको पूरा इसमें डालेंगे, इसको उठा के मम्मी डाल देते हैं। हाँ, तो ये पूरा इसमें जाएगा, और इसमें थोड़ा सा कढ़ाई में जो लगा है इसमें पानी डाल के हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है, इसमें भी पानी डाल देंगे, ये भी साफ हो जाए। तो ये इसके अंदर गया मम्मी, ये साफी माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। किसकी आई थी बुना मसाला ना कुछ है। अभी लाल भी नहीं हुए। हाँ, अभी इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम लोग डालेंगे ताकि जो है इसका कलर और खिल के आए। नमक ना
इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि नमक की कमी लग रही है। बस करता अभी कलर की नहीं होया ठप्रो रेड चिली पाउडर है पता नहीं। तो मम्मी ने यहाँ पे जो है इसमें तड़के वाला टमाटर भी डाल दिया है और नमक को भी एडजस्ट कर लिया। आप इस स्टेज पे नमक को एडजस्ट कर लीजिए, अगर कम ज्यादा है तो डाल लीजिए। और मम्मी के नमक सही है इसमें और डालना कम है, कम है, मम्मी ने और नमक डाल दिया है इसमें। तो अब इसको हम ऐसे ही चढ़ने देंगे 5 मिनट तक, लीड लगा के छोड़ देंगे ताकि जो है ये पूरा मसाला शलजम राजमा शलजम ये रखी इसमें जो है हम लोग लीड लगा देंगे ताकि जितना भी मसाला जो हम लोगों ने बना के डाला है वो शलजम राजमा एक साथ पूरा अच्छा एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो मम्मी को अंदाजा नहीं लग पा रहा ना, मम्मी जो है बहुत दिनों बाद बना रही है तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ रहा क्यों नहीं आ रहा, आ रहा दिमाग नहीं मम्मी का दिमाग मम्मी अपना खाना जो है ना चटकीला खाना खाती है मम्मी तो अपना खाना खुद ही बनाती है ना मम्मी उधर मम्मी बताओ मैं अपना खाना खूब चटपटा बनाती हूँ, गोश्त भी बनाती हूँ, मुर्गा भी बनाती हूँ, अपना खाना खूब बनाती हूँ, फिर बच्चों को भी खिलाती हूँ लड़कों को। मम्मी की डेट चढ़ती है, मम्मी अपनी डेट पूरी चढ़ाती है ना तो सब बच्चों को खिलाती है। जब इनका खुद का मन करता है डेट चढ़ाने का तो अपनी डेट चढ़ा के खुद खाती है। तो शलजम को हम लोग 5-10 मिनट चढ़े रहने देंगे ताकि जितना भी इसका एक दूसरे का जो फ्लेवर है एकदम शलजम और राजमा में समा जाए। फिर मिलते हैं उसके बाद। हाँ गल गए मम्मी, ये डिश आउट करने जा रही मम्मी। ये शलजम एकदम रेडी हो गए हैं, देखिए इसमें राजमा जो पड़ी है देसी राजमा है, जो छोटी वाली राजमा होती है। पार का करूं? हाँ हाँ पार का पूरा पार के। तो ये डिश आउट हो गई है। एक एक किलो का तो ये हमारा शलजम और राजमा एकदम रेडी है खाने के लिए। तो गार्निशिंग करेंगे धनिये से। लव यू। ये हमारी कश्मीरी डिश रेडी है जो मेरे मम्मी के हाथ की है। तो ये राजमा शलजम आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये राजमा शलजम आपको कैसी लगी, आपने कैसी बनाई। ये रेसिपी सना के लिए है, सना ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि जो है आंटी आप कोई कश्मीरी दाल बनाई। तो दाल तुमने मैंने नहीं बनाई, दाल मेरी जो है ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल पे। तो ये मैंने शलजम और ये दाल ही एक तरह से है, राजमा दाल ही होती है। तो ये शलजम और राजमा की मैंने रेसिपी डाली है जो ट्रेडिशनल रेसिपी है कश्मीर की, जो सर्दियों की फेवरेट होती है, सर्दियों में ज़्यादातर ये बनती है। तो ये रेसिपी सना के लिए है। सना इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। इंडियन किचन डायरी सना का चैनल है और सना ने रिक्वेस्ट की थी। तो सना ये आपके लिए रेडी है मेरी तरफ से, तो जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी मम्मी के हाथ की। तो मम्मी कुछ कहना है आपको? चिकन भी बना के दिखाऊंगी। चिकन भी बना के दिखाएंगी मम्मी। तो मम्मी का अभी जाइएगा मत, कश्मीरी गाना मम्मी एक लाइन गाएंगी जरूर, वो सुनिएगा जरूर। खुशाली लचिए उधर गया अख जो बाजार गया, लचिए खुदर गया आज हम बाजारो दिखा ली लचिए खुदर गया उधर गया हमारा खुशाली लचिए किधर गया कलाई मेहंदी कीड़े हाथ गो रंग लिए। तो आपको ये गाना कैसा लगा? मम्मी का टूटा फूटा जो है प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है मम्मी की, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी की गाने की। तो मम्मी का गाना ये कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रेसिपी कैसी लगी? ईद आ रहा है नहीं, अब बस हो गया। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली फ्रेश वीडियो की फ्रेश नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में फ्रेश वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।